हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा पशुधन। मेरा नाम है संदीप सिंह और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम डेयरी फार्म में बछड़े बछड़ियाँ तैयार कैसे करें, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये पता होगा, लेकिन फिर भी मैं एक वीडियो और बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारी डिमांड आ रही थी कि आप डॉक्टर साहब का एक वीडियो बछड़े बछड़ियों के ऊपर भी बनाओ। तो इस वीडियो में हम लोग इनसे जानेंगे कि ये अपने डेयरी फार्म में बछड़े बछड़ियाँ कैसे तैयार करते हैं और काफ़ी पुराना इनका अनुभव है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और इनसे हम जानते हैं। हेलो सर जी, राम राम। राम राम जी। जी आप अपना नाम और बता दें थोड़ा सा एक बार। विजय कुमार, गांव नांगड़ा, हरनाथ, डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़, हरियाणा। ठीक है, तो ये जो हमारा वीडियो होने वाला है ये है कि हम अच्छे टॉप क्वालिटी के जो बछड़े बछड़ियाँ हैं वो अपने फार्म पर तैयार कैसे करें, तो उसका आप थोड़ा सा हमें शुरू से बताएं, जो ब्याने से लेकर आप अपने फार्म पे कैसे तैयार करते हो। भाई ब्याने से बात है, जब पशु ब्याता है तो उसको पहले तो खीस जो होता है ना वो पिलाओ, जो पहला दूध होता है, पहला दूध होता है वो पिलाओ, और ब्याने से आधा घंटे बाद में पिलाओ जी। अच्छा हाँ, ज़्यादा लेट करोगा उतना नुकसान है जी उसमें। जितना ज़्यादा लेट करोगे उतना नुकसान है। हाँ जी, आधा घंटे या घंटे से पहले पहले उसको पिला दो। अच्छा, मैंने तो एक चीज़ सुनी है कि उसको लोग तो डोल देते हैं, फेंक देते हैं उस खीस को। नहीं जी, नहीं जी, उसमें जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है वो पहला ही खीस में होती है जी। अच्छा अच्छा, उसके बाद में इतनी नहीं होती जी। हाँ, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई उससे नुकसान हो जाता है। नहीं नहीं, बछिया को पिलाओ जी, कोई नुकसान नहीं होगा जी, असली ताकत उसी में होती है जी, स्टार्टिंग वाले में ही। जो बचता है उसको क्या करना है फिर? भाई बचता है उसका तो कोई पनीर बना लो, कोई खीस बना लो, कुछ भी कर लो, कोई ढोल भी दे सके, फर्क पड़ेगा, एक तो खड़ की बात है। हाँ, फिर तो बिक जाता है वो। हाँ बस यही है जी। क्योंकि बहुत सारे उसी गाय को पिला देते हैं वापस। नहीं, गाय को तो खैर नहीं पिलाना चाहिए मेरा विचार से तो। बातचीत अच्छा। भाई अपनी पसंद होती है। हाँ ठीक है, और इसको एक हफ्ते तक 3-3 लीटर दूध पिलाओ जी। एक हफ्ते तक 3-3 लीटर दूध पिलाना है एक टाइम? हाँ, तो भाई जो छोटी होती है तो 2-2.5 लीटर भी पी जाएगी, लेकिन हफ्ता के बाद में 3 लीटर दूध शुरू करो एक टाइम का, यानी कि 6 लीटर दिन का। एक हफ्ते बाद? एक हफ्ते बाद में 3 लीटर रोज का। हाँ, फिर उसको काफ स्टार्टर डालने लग जाओ जी, जो दाना आता है अपना। हाँ, काफ स्टार्टर वो डालो जी 3 महीने तक। ठीक है, 3 महीने तक 3-3 लीटर दूध पिलाओ खड़का, यानी कि 6 लीटर हो गया। 6 लीटर रोज का दूध पिलाना है, 3 महीने पिलाओ और इसको काफ स्टार्टर चलाओ जी, वो जो इसकी अच्छा होगी उतना चल लेगी इसमें। अच्छा, दाना डाले रखो और 3 महीने बाद में फिर काफ ग्रो आता है जी, वो चलाओ जी इसको। फिर अलग अलग सीड होते हैं पशुओं के लिए, जैसे कि पहले बताया गया है काफ स्टार्टर, यानी कि जो स्टार्टिंग में खिलाना है, फिर होता है ग्रोवर, जो कि कितने महीने बाद खिलाना है वो 3 से, कई काफ स्टार्टर 6 महीने तक का व्याते हैं। हाँ हाँ। और कोई 3 महीने तक का व्याते हैं, उसके बाद फिर आपको ग्रोवर भी चलाना है। काफ ग्रोवर चलाना है, वो जब तक चलाना है जब तक आगे की नहीं हो जाए। अच्छा अच्छा, जब तक प्रेगनेंट नहीं हो जाए। जब तक प्रेगनेंट नहीं हो इतना तो चलाओ वो, और प्रेगनेंट होने के बाद में हिफर आता है जी, जो ड्राई पशुओं को दिया जाता है वो चलाओ जी। अच्छा, वो खिलाना है। हाँ जी, फिर उसके 1 महीने ब्याने के रह जाए जब ट्रांजेक्शन आता है जी। अच्छा, उसमें क्या रहता है? उसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा रहती है जी, उसमें तो ट्रांजेक्शन फीड होता है इनका। हाँ जी, ब्याने से पहले। अच्छा, 1 महीने पहले। वैसे कंपनी 20 दिन बताती है, मैं तुमको बता, 1 महीने पहले शुरू कर दो। 1 महीने पहले ही शुरू कर दो। हाँ, वो चराओ जी। तो अच्छा, आपके यहाँ पर ये जो काफ है कितने दिन में प्रेगनेंट हो जाती होगी? ये मेरे 15 महीने से पहले पहले हो जाती है जी। 15 महीने से पहले पहले प्रेगनेंट हो जाती है? 12 महीने से 15 महीने के बीच में हो जाती है जी। अच्छा, ये कितने महीने की है? ये 1.5 महीने की बच्ची है, ये रही है दोनों जी। ये दोनों 1.5 महीने की है? हाँ जी, ये 45 दिन की है ये दोनों बच्चिया जी। देखो ये 45 दिन की है जी। अच्छा, देखो दोनों 1.5 महीने की है। हाँ जी। तो अच्छा, आपने बताया कि लगभग 15 महीने की प्रेगनेंट हो जाती है। हाँ, हो जाती तो फिर है। तो 2 साल में तो ब्याह जाती होगी। हाँ जी, मेरे 22 महीने की ब्याह है और 32 लीटर दूध दिया था उसने। अच्छा अच्छा, 22 महीने की ब्याह गई थी और 32 लीटर रोज का दूध दिया है। रोज का दूध दिया था, ऐसी गाय थी मेरे को। अच्छा अच्छा अच्छा, सीमन कौन सा इस्तेमाल करते हो फिर? ये सीमन करते हैं जी, NDDB के और ABS के भी। NDDB और ABS के? हाँ, ज़्यादातर NDDB के ही करते हैं जी। अच्छा, इनमें से कोई समस्या भी आती है जैसे कि बीमारी की, टीकाकरण वगैरह? नहीं जी, हमारे पास तो कोई समस्या नहीं आई। अच्छा, कोई समस्या नहीं है अब तक? हाँ जी। ठीक है, तो लगभग अगर इनकी मैं बात करूँ दूध की, तो जैसे कि आपने बताया है कि दूध इनको 3-3 लीटर पिलाना है, तो दूध इनको गाय के नीचे पिलाया जाता है या फिर कैसे पिलाते हैं? देखो जी, गाय के नीचे पिलाना है, जजमेंट नहीं आता जी, कोई ज़्यादा पी जाए जिस दिन दस्त लग जाएंगे। हाँ हाँ, और कम पिएगी तो भूखे रह जाए, जजमेंट तो आता नहीं, इसलिए हम तो 3 लीटर निप्पल से पिलाते हैं जी, बोतल से। अच्छा अच्छा, बोतल से पिलाते हो? हाँ जी, ये रखी बोतल, ये देखो यहाँ पर बोतल है, तो 3 लीटर दूध इसमें भर के और इनको पिला दिया जाता है। ये 3 लीटर की है, एक बोतल एक की है ये।
अच्छा इससे पी लेती है कोई आराम से? गाय से ज्यादा पीती है इससे। अच्छा अच्छा इससे ज्यादा खुश होती है। अच्छा गाय से ज्यादा इसमें खुश होती है। हाँ जी हाँ जी ठीक है। तो दोस्तों जो छोटी छोटी बातें हैं वो आप लोगों को बता दी गई हैं कि कैसे आप लोगों को काप तैयार करना है, क्या कुछ इनको खिलाना है, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि अगर एक बार आपको अनुभव हो जाएगा तो उसके बाद आप आसानी से अपने घर पर ही अच्छे अच्छे काप तैयार कर सकोगे। बिल्कुल जी। और काप तैयार करने से जो बड़ी बात होती है वो होती है सीमन की, कि आपने कौन सा सीमन लगाया है गाय को। जैसे सीमन की बछड़ी होगी उतनी ही ज़्यादा जल्दी वो ग्रोथ करेगी, मिल्क रिकॉर्ड भी अच्छा होगा उसका। ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी।